स्पोर्ट्स कीड़ा कबड्डी हैंगआउट के इस एपिसोड में हम रूबरू होंगे पटना के दो नामी गिरामी पायरेट्स रोहित गुलिया और सचिन तनवर से। ये दो धुरंधर तो बचपन से ही इकट्ठे कबड्डी खेलते आए हैं। आइए टीम मेट टॉक्स के इस एपिसोड में इन दोनों की यारी को देखा और परखा जाए। एक दूसरे की एक ऐसी खास खूबी बताइए जो हम सब नहीं जानते हो। इसका टाइमिंग कोई टाइम दे देते उस टाइम पे आता ही। ये बहुत मतलब बोला टाइप आदमी है, मतलब शरीफ आदमी है। एक दूसरे की एक ऐसी बात जिससे डर लगता हो। हमारी एक बार सीजन 5 में हम रूम पार्टनर थे तो हम दोनों बात करते थे तो उसमें एक चीज ऐसी चीज बोल दी थी उससे डर लगता मेरे। तुम्हारी लड़ाई होगी तुम्हारी दोनों की लड़ाई होगी थी वैसे ही हंसी उजाक भी। इनके बारे में तो ऐसी कोई कुछ खास चीज मेरे पास है नहीं है। अच्छा लड़का है ये, कोई होने रखता है। एक दूसरे की फेवरेट हीरोइन कौन है? नोरा फतेह। अच्छा जैकलिन। हाँ यस। एक दूसरे के मन पसंदीदा पकवान क्या है? इसको घर का खाना बहुत अच्छा पसंद है, जैसे दाल रोटी चूरमा पराठे। इनको बर्गर चाउमीन ऐसे ऐसे मतलब ऐसे तले हुए चीजें पसंद है। अगर आप दोनों कबड्डी के खिलाड़ी नहीं होते तो आप दोनों किस पेशे में होते? कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो ये आर्मी मैन बनते, आर्मी में जाना पसंद करते हैं। कॉमेडी नहीं हो सकता है ये तो। सही कह रहा है। कपिल शर्मा शो का वो ले सकता है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो अपने कौन से शौक पूरे करना पसंद करते? ये गाड़ी खरीदेंगे। अभी इसने महिंद्रा की कार खरीदी है, वही खरीदी। ये भी इसको भी गाड़ी का और बाइक का बहुत शौक है। वो कौन ऐसे 3 प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ी हैं जो आपको 100 मीटर की दौड़ में टक्कर दे सके? रोहित को सबसे पहले तो मैं यार एक दो और मोनू और नवीन। मतलब स्प्रिंट नहीं भागा, रनिंग का अच्छा है, स्प्रिंट से नहीं तो कोई भी हरा लेगा। स्प्रिंट नहीं भागा। एक ऐसा प्रो कबड्डी लीग रिकॉर्ड जिससे आप दोनों को तोड़ने की इच्छा हो? एक रिकॉर्ड है, अब की बार ये ट्रॉफी उठाऊंगे वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे। जो इस चीज़ के लिए मैं तरस रहा हूँ उसी चीज़ के लिए हम दोनों सेम हैं। इन ये भी 2-3 बार सेम फाइनल खेले हैं और मैं भी फाइनल खेला हूँ तो हम भी वही चाहते हैं ट्रॉफी उठाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स कीड़ा।